नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आवाज न्यूज ने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के होली मिलन समारोह के दौरान रायसेन जिला अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी से खास चर्चा की एवं उनसे पार्टी के विजन के बारे में जाना कि आगे चुनाव में उनकी पार्टी किस तरह से कार्य करेगी और उनकी रूपरेखा क्या होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि पार्टी संगठित होकर कार्य करेगी, बूथों पर जाकर लोगों से मिलेगी और कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत कराते हुए पार्टी के उच्च लेवल तक समस्याओं को हल भी कराएगी। साथ ही आम जनता की जो समस्याएं चल रही हैं उनसे मिलकर उन समस्याओं को हल कराने का प्रयास भी किया जाएगा। वहीं व्यवस्थित ढंग से मिलकर चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर, चाहे वो युवा हो चाहे वो सीनियर कार्यकर्ता हो, सबको एक साथ लेकर पार्टी की रणनीति बनाई जाएगी और उसके तहत ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र से, विदिशा लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर राकेश शर्मा के साथ शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान भी इस होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए आए। वहीं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक श्री रामपाल सिंह जी ने भी सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होकर होली की शुभकामनाएं बधाई दी। आइए आपको सुनाते हैं कि राकेश शर्मा से जो चर्चा हुई और राकेश शर्मा जिलाध्यक्ष भाजपा ने आवाज में ये निर्णय किया मंडल अध्यक्ष हमारे दोनों की आगामी 3 और 4 तारीख में आप शक्ति केंद्र की बैठक करेंगे। शक्ति केंद्र के जो हमारे पंच परमेश्वर हैं, वह पंच परमेश्वर हमारे बूथ के जो त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष महामंत्री बीएल, उनको वहाँ आमंत्रित करेंगे। शक्ति केंद्र पर बैठकर शक्ति केंद्र के लोगों के साथ बूथ विजय की जो योजना है, बूथ विजय का जो अभियान चल रहा है, उसके लिए योजना बनाएंगे। फिर इसके बाद 6 तारीख को प्रत्येक के जो मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभाओं के और प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ की एक साथ बैठक 6 तारीख को होगी। 6 तारीख को जब हम बूथ की बैठक करेंगे तो उसके लिए हमने एक एक बूथ का प्रभारी बना दिया। हर बूथ पर एक प्रभारी जाएगा, वह वहाँ बैठक लेगा। वो जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, वो जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो हमारा विचार है, हमारे सिद्धांत, उनको वहाँ स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे। झंडा ध्वजारोहण भी होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे लिए 11 करणी कार्य दिए हैं, उन 11 करणी कार्यों को वहाँ पर करेंगे। बूथ की बैठक करेंगे, बूथ समिति का सत्यापन करेंगे, पेज प्रभारियों का सत्यापन करेंगे और जो वर्तमान में जो स्थिति हमारे बूथ की है, उस स्थिति को हम कैसे पुशअप और दे पाएँ और हम बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए हमने आज की आप युवा हैं और जिलाध्यक्ष हैं तो युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, संगठन में कैसे लाएंगे, क्या मजबूती देंगे? देखिए, मैं स्वयं भी अपने को अपना युवा ही मानता हूँ और मैं तो क्या है, मैं युवा मोर्चे का 2 बार अध्यक्ष रहा था। मेरे अंदर वो भाजपा जिलाध्यक्ष बनने का जो भाव अभी तक जागृत नहीं, अभी मुझे अपने आप को यह लगता है युवा मोर्चे जिलाध्यक्ष हूँ। आप मुझे देखते होंगे, मेरे रहन सहन भी देखते होंगे, युवाओं के बीच में खड़ा हूँ चारों साइड में। देखिए, हमारे यादव जी, रघुवंश, सब युवा, मैं तो युवाओं के बीच में रहता हूँ। मेरा सीधा एक टारगेट है, युवाओं को कैसे पकड़ा जाए, उनके हिसाब से रहता हूँ, उनके हिसाब से, उनके मन के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित करता हूँ और एक जो शैली और उनसे मेरी कैसे उनसे कनेक्टिविटी मेरी बन सके, उसी शैली के साथ काम करता हूँ। और अब भारतीय जनता पार्टी से युवा बहुत अधिक मात्रा में जुड़ रहे हैं और इस समय मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित हैं, हमारे नेताओं से प्रेरित हैं और मुझे आप देखेंगे जो इस बार जो रिकॉर्ड बनने वाला है लोकसभा में और रिकॉर्ड सीटों के साथ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें युवा की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इस सिलवानी प्रॉपर की बात करें तो यहाँ पर संगठन काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा सा मतभेद भी चलती है, इसे लेकर आपका? नहीं, हाँ, कोई मतभेद नहीं है, मेरी सभी कार्यकर्ताओं से बात होती है। अभी देख रहे होंगे पार्टी का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंच पर बैठे हुए थे, महामंत्री युवा मोर्चे का अध्यक्ष संचालन कर रहा था। मतभेद किसी प्रकार नहीं होता, जो युवा खड़े हैं, मुझे लगता है कोई मतभेद नहीं, भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ और हम अभी हारे थे इस विधानसभा को, इस बार 1,12,000